नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों मेरे सामने जो पौधा जो आप देख रहे हैं ये है एलामंडा। तो ये एलामंडा जो साल वैरायटी का है, प्रूनिंग वगैरह करके इसको छोटा हाइट भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो एलामंडा प्लांट अभी जो है कम से कम ये 2-3 महीने से ये इसका फ्लावरिंग चल रहा है। तो अब जो है इसका फ्लावर साइज़ जो है छोटा हो रहा है और धीरे धीरे जो है फ्लावर का बड्स भी इसमें कम हो रहा है। साथ में एक चीज़ और है जो कि इसका जो लीव्स है ये येलो हो रहा है और लीव्स भी छोटा हो रहा है। इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, तो इसी वीडियो में मैं आपसे आज जानकारी दूंगा। तो स्पेशली जो है इसको कौन सा फर्टिलाइजर आप देने से ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छा फिर दोबारा जो है ये हरा भरा होगा। कम से कम जो है नवंबर तक जो है इसमें से फ्लावरिंग आपको मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरा चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल, अगर आप न्यू विजिटर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो प्लांट है मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ, तो इसको जो है थोड़ा प्रूनिंग करने से ये बुशी बनता है। तो फरवरी महीने में मैं इसको प्रूनिंग किया था। ये देखिए, ये जो है प्रूनिंग के बाद ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ से जो है बहुत सारा ब्रांचेस निकला हुआ है। तो प्रूनिंग करने से इसको ब्रांचेस ज़्यादा होता है और ब्रांचेस ज़्यादा होगा तो फ्लावरिंग भी आपका ज़्यादा होगा। तो दोस्तों अभी मेन बात पर आते हैं। तो इतना दिन फ्लावरिंग के बाद देखिए दोस्तों, अभी ये जो फ्लावरिंग का साइज़ है ये छोटा हो गया और साथ में इसका लीव्स भी छोटा हो रहा है, येलो भी हो रहा है। इसका जो मेन कारण है वो है न्यूट्रिशन का कमी। तो दोस्तों ये न्यूट्रिशन जो है इसने 2-3 महीना में जो है इसने कंज्यूम किया है और ऊपर से जो है बरसात चल रहा है, बारिश चल रहा है, तो बारिश के पानी से जो है इसका जो न्यूट्रिशन है ये वॉश आउट हो जाता है। तो इसी के कारण जो है दोस्तों अभी इसको फर्टिलाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए मैं आज सिर्फ इसका फर्टिलाइजर के बारे में ही मैं बताऊंगा। तो आप इस बरसात के सीज़न में भी इसको अगर थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये आगे चल के थोड़ा आपको जो है इसका जो हेल्थ है इस हेल्थ में सुधार आएगा और साथ में जो है ये फ्लावरिंग करता रहेगा और इसका जो फ्लावर साइज़ है ये भी धीरे धीरे जो है चेंज होकर थोड़ा आपका जो है बड़ा साइज़ का होगा। तो दोस्तों चलिए मैं अभी एक एक करके जो है मैं बताऊंगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र अभी इस टाइम जो है इन ये पौधे को देना है। फर्टिलाइज़र देने से पहले जो है आपको जो ये जो है इसको गुड़ाई करना है, तो मैं थोड़ा इसको गुड़ाई कर लेता हूँ, उसके बाद जो है कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको थोड़ा थोड़ा इसे गुड़ाई कर दीजिए। तो खासकर थोड़ा सा जो पॉट का किनारा है वहाँ से जो है मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके करना है ताकि फर्टिलाइज़र जो है किनारे किनारे डालना है। तो दोस्तों चलिए मैं ये जो है गुड़ाई कर लिया। अब जो पहला फर्टिलाइज़र मैं डालूँगा वो है दोस्तों ये नीम बेस्ड फर्टिलाइज़र जो कि मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है। नीम बेस्ड जो कि मिक्स्ड है ये, इसमें सारा जो है न्यूट्रिशन इसमें भरपूर है। तो ये कंपोस्ट है, एक नीम बेस्ड कंपोस्ट है, तो इसमें नीम खली भी है जो है एक मुट्ठी के करीबन, एक से डेढ़ मुट्ठी के करीबन जो है ये देखिए ये नीम बेस्ड फर्टिलाइज़र है, ये कंपोस्ट है। तो इसमें ये पूरा टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर्स है इसमें मिला हुआ है। तो दोस्तों चलिए इसको पहले डाल देते हैं थोड़ा किनारे किनारे ऐसे करके और थोड़ा डाल देते हैं, जैसे ये हाफ मुट्ठी और ले लिया। तो ये पहला जो है फर्टिलाइज़र मैंने डाला। तो दूसरा और दो फर्टिलाइज़र डालना है वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले जो है दोस्तों इसको और जो केयर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बारिश चल रहा है, अगर बारिश का पानी इसमें जमा रहेगा तो फिर ये पौधा जो है जल्दी रूट्स इसका सड़ जाता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है इसका वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, पानी इसमें जमा नहीं होना चाहिए। जैसे बारिश का पानी इसमें गिरेगा, अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है इसका सनलाइट की मैं बात करता हूँ। ये सनलाइट मतलब ये सनलवर है, तो कम से कम जो है 5 से 6 घंटा अगर सन इसको मिल जाए
तो फिर ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो ऐसे लोकेशन पर रखिए आप इसको, जो है कम से कम 5 से 6 घंटा सनलाइट इसको मिले। वाटरिंग का ध्यान इस टाइम बहुत देना है, ताकि ऊपर बारिश भी हो रहा है, बारिश भी चल रहा है, तो आप जब बारिश नहीं होता है तब आपको चेक करके इसको वाटरिंग करना है। अगर ऊपर का सॉइल थोड़ा आपको लगे कि इसमें मॉइस्चर नहीं है, तभी मतलब जो है आप इसको वाटरिंग कीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा जो है थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, नहीं तो फिर प्लांट्स मतलब शॉक में आ जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं नेक्स्ट फर्टिलाइजर का जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट फर्टिलाइजर जो है ये देखिए, ये है सुपर फॉस्फेट। तो ये फर्टिलाइजर सुपर फॉस्फेट आप 1 से 1.5 स्पून के करीबन, छोटा टीस्पून के करीब, छोटा टीस्पून का जो है 1 से 1.5 स्पून आप इसको डालिए, इसको किनारे किनारे इसको डाल दीजिए ऐसे करके, बस इसको और डालना नहीं है। तो ये सुपर फॉस्फेट जो कि फॉस्फोरस रिच होता है, तो ये प्लांट्स की ग्रोथ तो साथ साथ फ्रूटिंग एंड फ्लॉरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो है इसका जो हेल्थ है वो भी ठीक रखता है। जो मैंने पहले डाला जो नीम बेस्ड फर्टिलाइजर, कंपोस्ट मिक्स फर्टिलाइजर, वो पूरा ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो अच्छा है। नेक्स्ट जो है ये सुपर फॉस्फेट, ये भी प्लांट्स की ग्रोथ, जो रूट्स की मजबूती, रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो भी ठीक रखता है, और साथ में जो फ्लॉरिंग एंड फ्रूटिंग का भी मतलब अच्छा फ्रूटिंग भी अच्छा होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले जो है दोस्तों इसका और केयर जो है, अभी इसमें तो इतना ज़्यादा मतलब कहना कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता है, क्योंकि बरसात चल रहा है, फिर भी आपको देखना पड़ेगा, आपको नज़र में रखना पड़ेगा कहीं मिलीबग्स तो इसमें नहीं लगा। तो अगर मिलीबग्स भी लगेगा तो इसमें फ्लावर बड्स जो है वो मतलब कमज़ोर होता है, ये या तो खिलता नहीं है, या तो छोटा होता है, ये टेढ़ा बेढ़ा होता है, तो आपको थोड़ा सा ये नज़र रखना पड़ेगा। तो हो सकता है जब बारिश नहीं होता है तो थोड़ा बहुत आप इसको नीम ऑयल की भी स्प्रे कर देंगे तो ये पेस्ट फ्री रहेगा। तो दोस्तों चलिए लास्ट जो फर्टिलाइजर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है ओवरऑल ग्रोथ फ्रूटिंग एंड ओवरऑल ग्रोथ एंड फ्लॉरिंग के लिए, वो है देखिए ये जो है एप्सम सॉल्ट। तो दोस्तों ये मैग्नीशियम का कमी दूर करने के लिए ये एप्सम सॉल्ट बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में इसका जो ग्रोथ प्लस फ्लॉरिंग बहुत अच्छा फ्लॉरिंग के लिए ये अच्छा है। तो दोस्तों चलिए इसको भी किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट 1 स्पून, छोटा स्पून का 1 स्पून के करीबन, या मतलब 1.5 स्पून के करीबन आप इसको डाल दीजिए। तो दोस्तों चलिए ये सारा जो मैंने फर्टिलाइजर मैंने डाला है, तो ये इस फर्टिलाइजर का जो एक्शन है हफ्ता 10 दिन जो है इसके बाद जो है दोस्तों इसका कुछ चेंजेस इसमें आएगा, नज़र आएगा। तो दोस्तों चलिए अगर आपका पौधा भी जो अगर ऐसे होता है तो फिर आप भी ऐसे मतलब जो है फर्टिलाइजर जो आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले मतलब कहना 4-5 साल से इस एडिनियम को मतलब मैं ग्रो कर रहा हूँ। इसका जो है कटिंग्स पे मैं डाला, कटिंग्स भी ग्रो हो रहा है, और एयर लेडिंग से भी मैंने प्रोपेगेट किया तो वो भी ग्रो हो रहा है, और फ्लॉरिंग भी चल रहा है, और साथ में जो है इसका जो केयर करना है इसके लिए मेरा और भी सारा वीडियोज़ है, आप उस मेरा चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।